मैं कोमल आरआरसी समाचार में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। ट्रक की चपेट में आकर 13 मवेशियों की मौत, दो गंभीर। पुराना शहर में वर्ली के अड्डे फिर शुरू। महापालिका की शालाएं बनी तालाब। कार मोटरसाइकिल दुर्घटना में पति पत्नी गंभीर घायल। ऐश्वर्या की देवी ज्येष्ठा गौरी की घर घर की गई विधिवत स्थापना। अकोला के हिंगना मार्ग पर नए बाईपास के पुल पर अनियंत्रित ट्रक ने मवेशियों के झुंड को कुचल दिया। इस दुर्घटना में 13 मवेशियों की मौत हो गई तथा दो गंभीर घायल हो गए। दुर्घटना के बाद ट्रक भी पलट गया। अकोला के समीप स्थित हिंगना मार्ग पर नए बाईपास पर हुई भीषण दुर्घटना में 13 मवेशियों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि दो मवेशी गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा बुधवार की सुबह 5 से 6 बजे के दौरान हुआ। नए बाईपास के पुल से वेस्ट बंगाल पासिंग ट्रक नागपुर से मुंबई की ओर जा रहा था, तब मवेशियों का एक झुंड सामने आ गया, जिसके कारण ट्रक चालक का नियंत्रण अपने वाहन से छूट गया। अनियंत्रित ट्रक ने 15 मवेशियों को कुचल दिया। उसके बाद ट्रक पुल से नीचे उतरकर पलट गया। इस घटना से घबराए ट्रक चालक और क्लीनर अपना ट्रक छोड़कर घटनास्थल से फरार हो गए। इस दुर्घटना में 13 मवेशियों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि दो मवेशी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। सभी जानवर हिंगना गांव के हैं। घटनास्थल पर पुराना शहर पुलिस पहुंची थी। घटनास्थल पर मवेशी धारकों ने भी बड़ी संख्या में भीड़ की थी। 6 वाजता के दरम्यान नागपूर वरून खामगावकडे जाणाऱ्या ट्रकने मोकाट जनावर आडवे येऊन अपघात झालेला आहे। त्याच्यामध्ये 13 जनावर ते मृत्युमुखी पडलेले आहेत आणि ट्रक पलटी झालेला आहे। ड्रायव्हर सध्या ड्रायव्हर क्लीनर हे फरार आहे। अकोला शहर में फिर से वर्ली अड्डे शुरू हो गए हैं, जिन पर कार्रवाई की बजाय पुलिस थानों द्वारा हफ्ते बांध दिए गए हैं। जिला पुलिस अधीक्षक को अंधेरे में रखकर अवैध धंधे वालों को खुली छूट दी जा रही है। तत्कालीन जिला पुलिस अधीक्षक चंद्रकिशोर मीना ने शहर में अवैध धंधों पर वक्र दृष्टि जमाते हुए सभी प्रकार के अवैध धंधों पर अंकुश लगाने में काफी हद तक सफलता पाई थी। मीना साहब के कारण अवैध धंधे करने वाले परेशान हो गए थे। चंद्रकिशोर मीना का तबादला नांदेड़ एसपी होने के बाद से शहर में अवैध धंधे फिर से शुरू हो गए हैं। पुराना शहर थाने की हद में आने वाले सोनटक के प्लॉट में वर्ली अड्डे शुरू हो गए हैं, जिस पर कार्रवाई करने की बजाय कुछ पुलिसकर्मी नियमित रूप से हफ्ता ले रहे हैं, जिसके कारण वर्ली अड्डा संचालक बैकऑफ होकर अपना धंधा कर रहे हैं। अकोला के नए जिला पुलिस अधीक्षक राकेश कलासागर को अंधेरे में रखकर पुलिस ने अवैध धंधों को अपनी मुख सहमति दे रखी है, जिसके कारण वर्ली अड्डे फिर से शुरू हो गए हैं। कुछ पुलिसकर्मी बिना नागा सोनटक का प्लॉट में आकर अपना और अपने साहब का हिस्सा लेकर जाते हैं, जिसके और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को ध्यान देने की जरूरत है। महापालिका की शालाओं के परिसर में बारिश का पानी भर गया है, जिसके कारण मनपा की शालाएं तालाब में तब्दील हो गई है, जिसकी ओर शिक्षण विभाग ध्यान तक देने के लिए तैयार नहीं है। अकोला महानगर पालिका की अधिकांश शालाओं की अत्यंत ही दुर्दशा हो गई है। विशेषकर अकोटफेल परिसर की शालाओं में समस्याओं का अंबार लगा है, जिसके कारण अधिकांश अभिभावक अपने बच्चों को मनपा की शालाओं में प्रवेश दिलाने की बजाय निजी कॉन्वेंट में डालना अधिक पसंद कर रहे हैं। मंगलवार की सुबह हुई धुआंधार बारिश के कारण अकोटफेल स्थित महापालिका की शाला तालाब में तब्दील हो गई।
सुबह के समय जब छात्र छात्राएं अपनी शाला में आए तो उन्हें सभी ओर पानी ही पानी नजर आया। पानी निकासी की किसी भी प्रकार की व्यवस्था न होने के कारण यहाँ के शिक्षकों को पानी निकालने के लिए व्यवस्था करनी पड़ी। शाला परिसर में सभी ओर बारिश का पानी भरा होने के कारण कई अभिभावकों ने अपने बच्चों को शाला न भेजना ही उचित समझा। स्कूल में जाने के लिए रास्ता है क्या तुम्हारे? हाँ। कहाँ से? तो ये पानी में से जाना पड़ता? हाँ। दूसरा रास्ता नहीं है स्कूल में जाने? नहीं सर, कोई कर्मचारी तो आते नहीं यहाँ पर, और हमने बार बार यहाँ पर मुरम डालने के लिए तकरार भी दिए हुए। हाँ। दो तीन मरतबा मैंने इंजीनियर को, पानी का विभाग को, उनको तकरार दी हुई है, पर कोई छोटा नहीं साहब। क्या करते हैं, अपने को निकालना पड़ता। तो ये अधिकारियों को मालूम है क्या? पता नहीं साहब, उनको मालूम है कि नहीं, हम तो हमारा काम करते रहते। अकोला के जेल चौराहे पर कार और मोटरसाइकिल के बीच हुई जोरदार टक्कर में पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें सर्वोपचार अस्पताल में दाखिल कर उपचार किया जा रहा है। खदान पुलिस थाने के सामने जेल चौराहे पर कार और मोटरसाइकिल के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस टक्कर में मोटरसाइकिल पर सवार महिला कार के सामने वाले शीशे से टकरा गई। इस दुर्घटना में पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को पुलिस ने नागरिकों की सहायता से सर्वोपचार अस्पताल पहुंचाया। दुर्घटना में घायल महिला का नाम वैशाली इंगले व पुरुष का नाम प्रवीण इंगले बताया जा रहा है। दोनों गंभीर घायलों पर सर्वोपचार अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। दोनों की हालत स्थिर बताई जा रही है। आगे की जांच खदान पुलिस कर रही है। अकोला में अत्यंत उत्साह के साथ ऐश्वर्य धन समृद्धि की देवी माता महालक्ष्मी की स्थापना की गई। मंगलवार को शुभ मुहूर्त में ज्येष्ठ गौरी की स्थापना की गई। बुधवार को प्रसाद और गुरुवार को महालक्ष्मी का विधिवत विसर्जन किया जाएगा। मंगलवार को घर घर में महालक्ष्मी ज्येष्ठा गौरी की स्थापना के साथ ही ढाई दिन तक चलने वाले ज्येष्ठा गौरी पूजन पर्व की शुरुआत हुई। गणेशोत्सव के साथ साथ ज्येष्ठा गौरी पूजन शुरू होने से सभी ओर का वातावरण भक्तिमय हो गया है। मंगलवार 29 अगस्त को सुबह से ही शुभ मुहूर्त में महालक्ष्मी को विराजमान करने का कार्यक्रम आरंभ हो गया था, जो रात तक जारी रहा। महिलाओं ने ज्येष्ठा गौरी पूजन उत्सव के अंतर्गत अपने अपने घरों में आकर्षक मंडप, साज सज्जा एवं बिजली की सजावट कर माता महालक्ष्मी की विधिवत स्थापना की। ज्येष्ठा गौरी के सामने फुलोरा, विविध पकवान, मकर की सजावट की गई। बुधवार को महालक्ष्मी स्थापना के दूसरे दिन 56 भोग का नैवेद्य परोसा गया। घर घर में विविध रूपों में बिराजी महालक्ष्मी, कहीं टेढ़ा कहीं मुखवटा के रूप में, कहीं पूर्णाकृति गौरी की स्थापना की गई। इस साल माता गौरी मुर्गी पर बैठकर चावल ग्रहण कर रही है। लाल वस्त्र परिधान कर हाथ में तलवार लिए कस्तूरी का तिलक लगाए है। धन धान्य ऐश्वर्य की देवी ज्येष्ठा गौरी की स्थापना परंपरागत तरीके से की गई। अकोला शहर में स्थापित ज्येष्ठा गौरी स्थापना की देखते हैं एक झलक।
महापालिका आयुक्त ने गुड मॉर्निंग दल की बैठक लेकर इसे और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए हैं। इस बैठक में मनपा के सभी विभागों के प्रमुख उपस्थित थे। स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत अकोला शहर खुले में शौच मुक्त शहर है या नहीं, इसकी पड़ताल के लिए केंद्रीय समिति आ रही है। सभी क्षेत्रीय अधिकारी अपने अधीनस्थ गुड मॉर्निंग दलों से प्रभावी रूप से कार्य करवाए ताकि कोई भी नागरिक खुले में शौच के लिए न जाए, ऐसी सूचनाएं मनपा आयुक्त अजय लहाने ने जायजा बैठक में दी। उन्होंने यह भी कहा कि आरोग्य विभाग शहर में स्वच्छता की ओर विशेष ध्यान दे। दैनंदिन स्वच्छता के तहत होने वाली सफाई के लिए कामगारों से अतिरिक्त कार्य करवाए। विभाग प्रमुख अपने अपने विभाग अंतर्गत मनपा की मालिकाना संपत्ति की जगह का क्षेत्रफल व उसकी जानकारी दो दिनों में उपलब्ध कराए, ऐसे निर्देश भी आयुक्त ने दिए। वही पुराना शहर के कैनाल मार्ग का काम जल्द से जल्द शुरू किया जाए, ऐसी सूचना निर्माण विभाग को दी गई। इस बैठक में उपायुक्त सुरेश सोलचे, समाधान सोलंग के शहर अभियंता इकबाल खान, सुरेश हुंगे समेत विभाग प्रमुख उपस्थित थे। अकोला भाटे क्लब मैदान पर विप्र युवा वाहिनी गणेशोत्सव मंडल द्वारा पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के मान्यवर बड़ी संख्या में शामिल हुए थे। अकोला के भाटे क्लब मैदान पर विप्र युवा वाहिनी गणेशोत्सव मंडल द्वारा अत्यंत आकर्षक श्री गणेश के साथ ही भगवान परशुराम, तिरुपति के श्री बालाजी, कोल्हापुर की माता महालक्ष्मी की झांकियां प्रस्तुत की गई है। मंगलवार को आरआरसी चैनल के कार्यकारी संचालक श्री पंकज देशमुख के हाथों विप्र युवा वाहिनी गणेशोत्सव मंडल द्वारा श्री गणेश का पूजन कराया गया। इस अवसर पर रजनीश ठाकरे, प्रमोद जानोरकर, मंगेश पात्रीकर, डॉक्टर अमर भुईबार, डॉक्टर शंकरराव वाकोड़े, संजय लुंगे, रवि राउत, सुनील जानोरकर, पंकज जायले, पंकज साबले, सुरेश पाटिल गाड़े, संजय भाकरे, पार्षद अजय शर्मा, राजेश मिश्रा, डॉक्टर अभय जैन, डॉक्टर अविनाश देशमुख, डॉक्टर गोविंद खंडेलवाल आदि प्रमुखता से उपस्थित थे। विप्र युवा वाहिनी गणेशोत्सव मंडल द्वारा पहले ही वर्ष में भव्य गुफा का निर्माण किया, जिसमें नागपुर के टेकड़ी गणेश, तिरुपति बालाजी दर्शन, कोल्हापुर की महालक्ष्मी के दर्शन कराए गए हैं। इस गणेशोत्सव को सफल बनाने के लिए विप्र युवा वाहिनी गणेशोत्सव मंडल के सभी सदस्य अपना सहयोग दे रहे हैं। ओम सुखकरदा दुखहरदा भरत विगराजी पूर्वे पूर्वे प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर सिंधुराची कंठे जड़के माल मुक्ता बड़ाची जय देव जय मंगल मूर्ति श्री मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मारा स्मरणे मात्रे मारा कामरा मूर्ति जय देव जय देव रत्न खचिता पारा जगोरी गोरा चंदी नटरे तीन लोकत सदेवता तीन लोकत सदेवता द्वार करे सवार करे मूर्य मंगल मूर्ति मूर्य विप्रियो वाहिनी अकोला द्वारा ये प्रथम वर्ष में ही बप्पा के अनुपम दर्शनों की व्यवस्था आप सभी भक्तों के लिए की गई है, तो मेरा आपसे विनम्र हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि बप्पा के दर्शनों का अवश्य लाभ लें, जिसमें भव्य गुफा में तिरुपति के बालाजी, नागपुर के गणेश टेकड़ी बप्पा के दर्शन एवं कोल्हापुर की महाजगदम्बा महालक्ष्मी मैया और गजानन महाराज के दर्शनों की समुचित व्यवस्था हम लोगों ने की है। अकोला मुख्य बस स्थानक का जल्द ही कायाकल्प होगा। यात्रियों को होने वाली असुविधाओं को देखते हुए बस स्थानक पर बड़े परिवर्तन किए जाएंगे, इस प्रकार की जानकारी प्राप्त हुई है। अकोला के मुख्य बस स्थानक पर रोजाना हजारों यात्री आवागमन करते हैं, परंतु असुविधाओं के कारण यात्रियों को कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए राज्य परिवहन महामंडल के विभागीय आयुक्त ने मुख्य बस स्थानक परिसर का मुआयना किया। मुख्य बस स्थानक के प्रवेश द्वार के सामने वाले रास्ते को फिर से खोले जाने को कहा गया। सामने वाले दोनों गेट आवागमन के लिए रहेंगे, जिसके कारण यात्रियों का समय बचेगा। शीघ्र ही अन्य प्रकार की सुविधाएं भी मुख्य बस स्थानक पर उपलब्ध कराई जाएगी। गौरतलब है कि आरआरसी न्यूज ने मुख्य बस स्थानक की खामियों को
कई बार उजागर किया है, जिसकी दखल ली गई है। मुख्य बस थाना के डिपो मैनेजर ने इसकी जानकारी आरआरसी न्यूज से बोलते हुए दी। स्वच्छतेच्या बाबतीत सुरू होता की महानगरपालिकेकडून ट्रक किंवा टेम्पो येईल, ट्रॅक्टर येईल आणि तो कचरा टाकण्यात येईल, त्यावर स्वयंसेवकांना नियोजन करू। ग्रामीण इलाकों में किसानों ने बड़े प्रमाण में सोयाबीन की फसल ली है। सोयाबीन की फसल पर विभिन्न प्रकार के रोगों के अलावा इलियों का प्रादुर्भाव हो गया है, जिसके कारण किसानों में अपनी फसलों को लेकर चिंता व्याप्त हो गई है। बारशीटागली तहसील के किसानों ने इस साल बड़े प्रमाण में सोयाबीन की फसल ली है। समय पर बारिश न होने के कारण सोयाबीन की फसलों पर विपरीत परिणाम हुआ है। पिछले दिनों हुई बारिश ने फसलों को जीवनदान दिया है, जिसके कारण सोयाबीन की फसलें लहलहा रही है, परंतु सोयाबीन पर लश्करी इलियों का प्रादुर्भाव हो गया है। लश्करी इलियों के साथ साथ पत्तों का रस शोषण करने वाली इलिया भी सक्रिय हो गई है, जिसके कारण फसलों की उपज में विपरीत परिणाम हो सकता है। फसलों पर विभिन्न प्रकार के रोगों का प्रादुर्भाव और इल्लियों के आक्रमण के कारण किसानों में चिंता व्याप्त हो गई है। ऐसे समय किसानों को कृषि विभाग के मार्गदर्शन की जरूरत महसूस की जा रही है। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। ट्रक की चपेट में आकर 13 मवेशियों की मौत, दो गंभीर। पुराना शहर में वर्ली के अड्डे फिर शुरू। महापालिका की शालाएं बनी तालाब। कार मोटरसाइकिल दुर्घटना में पति पत्नी गंभीर घायल। ऐश्वर्या की देवी ज्येष्ठा गौर की घर घर की गई विधिवत स्थापना। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।